hello dear students it's kiran today i am going to give some commonly asked questions of computer part 2 so dear let's start first question is which language is used in scientific work that is fortran formula translation second question is full form of ascii is american standard code for information interchange third question is why do we use fiber optics or optical fiber for data transmission Answer is, to achieve fast data transmission rate. Simply, आप इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे होते हो ताकि आप डेटा को फास्ट ट्रांसमिशन uh, करा सको फास्ट वो मूव हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ कंप्यूटर दैट इज चार्ल्स Babbage. बहुत पहले से आप इनके बारे में जानते हो लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला है वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज टिम Lee

इसकी शक्ल में ये आपके जो है कंप्यूटर को सिस्टम को जो है लैपटॉप को जो है अटैक करते हैं एक्चुअली ये होते तो सॉफ्टवेयर ही है बस आपके फाइल्स को ये करप्ट कर सकते हैं आपके पीसी की स्पीड को ये स्लो कर देते हैं ये आपकी किसी प्रोफाइल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बहुत सारे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट इज़ binary number system consists of only two digits that is zero and one only next question who invented the first mouse of computer that is douglas eglebert next question is why do we use debugging tool in computer we use debugging tool in computer to remove error and bugs from computer which standard protocols are mostly used by the internet Mostly use Ote internet kidwara that is TCP IP means transmission control protocol and internet protocol. Full form of GIGO means garbage in and garbage out. In UK it is known as RIRO R I R O That is rubbish in rubbish out. Why do we use the file extension in the computer? पहले तो आप ये समझ लो कि फ़ाइल एक्सटेंशन है क्या जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो उसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल पुट किया है डॉट एच डी एम एल डॉट आई जी डॉट पी पी टी एक बार फिर से क्लियर करूँ और आप देखो साइड में आप देख रहे हो कि डॉट बने हुए हैं ओके तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ डॉट्स बने हुए हैं और वो डॉट ही डॉट के बाद जो है वो एक्सटेंशन है डॉट एस टी एम एल डॉट आई जी डॉट पी पी टी और डॉट पी पी टी एक्स तो ये अलग अलग चीज़ के एक्सटेंशन है जिससे पता चल जाता है कि आपकी फ़ाइल कौन है इसलिए आंसर मैंने यहाँ दिया है टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो आपने बहुत बार फाइल सेव किया है ऐसे बट कई बार आप इस, इस चीज़ से अनजान होते हो कि ये है क्या तो सिंपली ये एक्सटेंशन uh, है और इसको लगाने का मकसद या फिर ऐसे बनाया ही गया है ऐसे ही हम सेव करते हैं तो ये ताकि आप अपने फाइल को बहुत सारी फाइल्स जब होती हैं तो उनमें आप इजीली आइडेंटिफाई करते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स एंड आईटी दैट इज सिलिकॉन वॉट इज़ कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल ऑन अ डिस्क दैट इज ट्रैक जो सर्कल के ऊपर जो सर्कल uh, जैसी होती है वो है क्या तो उसे हम ट्रैक कहते हैं आई uh, मीन I mean, जो डिस्क uh, के ऊपर जो आप देखते हो ना uh, तो वो uh, जो एकदम सर्कल uh, जैसी आपको पता चलती है एकदम तो वो क्या है तो वो ट्रैक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्रिंट रिव्यू कमांड इज यूज क्यों यूज करते हैं तो सिंपली टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर प्रिंट तो, uh, करने के बाद देखने से तो वो हार्ड uh, कॉपी निकल चुका है इसलिए प्रिंट करने से पहले आपने उसे कई बार देखा होगा जब भी आप प्रिंट करते हैं तो बस याद रखने वाली बात है तो उसे हम कहते हैं प्रिंट रिव्यू या प्रिंट रिव्यू हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंटिंग ओ एस आई प्लीज डू अंडरलाइन दिस ओ एस आई दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ये एक मॉडल है जो सेवन लेयर्स का होता है, है क्या क्या इस्तेमाल है तो मैं बताऊं इट इज अ मॉडल फॉर हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाई विच कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली इस कॉल दैट इज प्रोग्राम ब्रैकेट में मैंने लिया है सचेज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्रोग्राम की शक्ल में होते हैं जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेटेबल बनाते हैं तो वो है यहाँ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और द एल्गोटिथम इज नोन एज फ्लो चा कई बार आपने देखा है इसे और आपने बनाया भी है बस एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये है क्या उनके लिए जिनको कम याद है और जिनको याद है उनको तो याद है ये आप देखो आपने ऐसा देखा होगा स्टार्ट का एक साइन है फिर आप देखते हो एक रेक्टेंगल का साइन है जिसमें आपने कुछ इनपुट डाला है मैंने आई का साइन दिया फिर आपने एक प्रोसेस के लिए ऐसे बनाया फिर उसके जो प्रोसेस के जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो यहाँ सॉरी अच्छा सा रेक्टेंगल नहीं बना और इसके बाद नेक्स्ट जो है एंड एंड के लिए फिर से आप कुछ ऐसे ओवल का बनाते हो तो बहुत परफेक्ट मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया लेकिन हाँ इस इस तरह का ये फ्लो चार्ट होता है जो आप सिंपली इसमें एल्गोरिथम को पुट करते हो आई मीन शो करते हो नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC एंड CC इन द इंटरनेट दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड कार्बन कॉपी बहुत बार आपने इसका इस्तेमाल किया होगा दैट इज आई मीन बी सी सी आप इस्तेमाल जब करते हो तो जब मेल आप सेंड करते हो तो उसके बारे में पता नहीं चलता कि आपने एक ही मेल पांच लोगों को भेजा है तो उनमें से पांचों में से किसी को पता नहीं चलने वाला कि आपने किस किस को भेजा है सी सी पर जब आप भेजते हो सी सी भेजते हो तो फिर सबको पता होता है कि आपने ये मेल आ, किस किस को भेजा है is known as the father of artificial intelligence please do underline this john mccarthy next question is cpu capacity can be measured in megahertz mhz in which device parallel port is mainly used कौन से डिवाइस में ये पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल होता है आपने बहुत बार इसे देखा होगा बस मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दूं आपको कई बार आपने सपोज करो ये आपका सी सॉरी सीपीयू है इसके इसका ये बैक साइड है इसमें इस तरह के आपने कई चीज़ देखी होगी जहाँ पर आप जो है ऐसे मैं कुछ पॉइंट जैसे बना रही हूँ यहाँ पर तो आप इसमें बहुत सारे जो है वायर्स लगा ले सकते हो और ये पैरेलली वर्क करेंगे तो ये पैरलर पोर्ट्स हुए हैं और कुछ सीरियल पोर्ट भी होते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया है पी सी में पैरल और सीरियल दोनों ही पोर्ट होते हैं ठीक है तो uh, सीरियल जो है सिक्वेंशियल uh, um, चीज़ के लिए यूज़ हम कर रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन दैट इज बिट्स पर सेकेंड यानी जब डेटा ट्रांसमिशन इसको प्लीज़ अंडरलाइन करना डेटा ट्रांसमिशन के लिए ऊपर भी मैंने क्वेश्चन डाला है दैट इज़ कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो किया जाता है जिससे डेटा ट्रांसमिशन जो है फास्ट हो जाता है बट तो उसमें यूनिट मैंने नहीं दिया था तो यहाँ मैंने पुट कर दिया कि कौन सी वो यूनिट है जो फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करती है दैट इज़ बिट पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ई मेल मैसेज़ कॉल नॉर्मली आपने बहुत बार ई मेल किया होगा चेक भी किया होगा और uh, जिनको याद है उनके लिए तो ये यूजफुल नहीं है बट कई बार मैंने ये नोटिस किया है बिंग टीचर कि छोटे छोटे से क्वेश्चन में आप बहुत बार uh, जो है मिस्टेक करते हो इसलिए मैंने ये डाला है मेल बॉक्स यानी वो स्टोरेज एरिया जहाँ ई मेल स्टोर होता है उसको हम क्या कहेंगे मेल बॉक्स ओवियस मेल जहाँ स्टोर हो रहा है उसे मेल डब्बा ही तो कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल तो ये सिंपली आप सब इस्तेमाल करते हो डेफिनेटली कर रहे होगे इट इज गूगल क्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आप ध्यान से एक बार देख लेना आ ये लास्ट क्वेश्चन है वाई फाई वॉल इज़ यूज इन कम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम क्यों हम इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली टू प्रिवेंट अनऑथराइज अटैक और एक्सेस नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए सिंपली फायरवॉल uh, जो है आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है एक वॉल की तरह कोई ऐसा अनऑथोराइज एक्सेस कोई uh, अगर हैकर क्रैकर जो होते हैं ना वो आप आपने अगर अपने सिस्टम में रखा है तो वो एक वॉल की तरह काम कर रहा होता है इस तरह की चीज़ वो कोई ऐसे मलिशियस uh, सॉफ्टवेयर या इस तरह की चीज़ का ईज़िली इसमें जो है प्रवेश मुश्किल होता है सो डियर थैंक्स होपफुली आपको पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लर्न करें कमेंट कर सकते हैं कुछ और जानना है तो आ, वैसे ये लॉकडाउन का पीरियड तो चल ही रहा है सो स्टडी आप करते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय